नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। देश में धर्मांतरण के मामलों को लेकर केंद्र सरकार और प्रदेश की योगी सरकार लगातार शिकंजा कसती जा रही है। सरकार की एजेंसियां इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए देश के कई राज्यों से धर्मांतरण के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर रही है। वहीं इस बीच ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से सामने आया है, जहाँ एक विदेशी मौलाना पिछले 15 सालों से भारत में फर्जी पहचान और दस्तावेजों के साथ रह रहा था और बच्चों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण करवाने के साथ ही उन्हें गलत तालीम दिया करता था। वहीं जब मस्जिद कमेटी के सदस्य ने इसका विरोध कर विदेशी मौलाना को मस्जिद से बाहर निकलवा दिया, तो इसके बाद इसकी शिकायत जिले के आलाधिकारियों से की गई, लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगी। इस विदेशी मौलाना ने मस्जिद में रहकर एक हिंदू बच्ची का निकाह तक करवा दिया और जिले के अधिकारियों को भ्रमित कर देश की नागरिकता तक हासिल कर ली। पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया। हालांकि ये प्रकरण जैसे ही मीडिया के सामने आया तो प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए विदेशी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के कस्बा स्थित बड़ी मस्जिद का मौलवी विदेशी है। ये किस देश का रहने वाला है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। मौलाना अपने आप को नेपाल का बताकर गाजीपुर में 15 साल पहले आया था, जिसके बाद गाजीपुर कस्बे के बड़ी मस्जिद के सदस्यों ने मौलाना को मस्जिद की जिम्मेदारी सौंप दी। मौलाना हाफिज फिरोज आलम मस्जिद में मुस्लिम बच्चों को शिक्षा देना शुरू करता है, लेकिन उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के बजाय उन्हें हिंदुओं के बच्चों के साथ गलत बर्ताव करने की शिक्षा देता है। वो हिंदू बच्चियों से शादी कर मुस्लिम जनसंख्या बढ़ाने के लिए समझाने लगता है। वही गाजीपुर की रहने वाली एक ब्राह्मण समाज की लड़की का निकाह तक करवा दिया, जिसको देख मस्जिद कमेटी के सदस्य अब्दुल मजीद खान ने इसका विरोध किया और जिले के अधिकारियों को इसकी शिकायत की, लेकिन जिले के अधिकारी मौन रहे। वही मस्जिद कमेटी के लोगों ने ये सब गलत मानते हुए विदेशी मौलाना हाफिज फिरोज आलम को मस्जिद से बाहर करवा दिया, लेकिन 2 साल बाद भी जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो एक बार फिर से मस्जिद कमेटी के सदस्य अब्दुल मजीद खान ने शिकायत की, जिसकी भनक मीडिया को वायरल वीडियो के तहत लगी। जी, हाफिज फिरोज आलम का क्या मामला है? हाफिज फिरोज आलम कहीं से घूमते घामते यहाँ आ गए, इनको रख दिया गया तो मस्जिद में इमामत करते रहे, बच्चों को पढ़ाते रहे। 14-15 साल करीब हो गए, उसको 2 साल पहले यहाँ से निकाल दिया गया। इसलिए निकाल दिया गया, ये गलत शिक्षा बच्चों को देने लगा और ये भी कहने लगा कि आप पढ़ाई लड़कियों को लाइए, अन्य कास्ट की लड़कियों को, उसमें पैसा भी मिलेगा, मजा भी आएगा। इस तरह से इसने जो है भड़काऊ दंगे दिए, यहाँ तक कि एक ब्राह्मण की लड़की को किसी ने भगा करके लाए और उसका निकाह भी इसने करा दिया उससे। इसी तरह धर्म परिवर्तन कर दिया। इसी तरह यहाँ जो है मैंने SP CO थाने में भी मैंने लिखी दिया, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि हमारे गांव में से इसको हटा दिया जाए, क्योंकि जो हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता चल रही है ये खंडित ना हो जाए। ये कहाँ का है इसका कोई पता नहीं, ये बताता मैं नेपाल का हूँ, ये कोई जरूरी नहीं कि ये नेपाल का ही हो, ये बांग्लादेश का भी हो सकता है, रोहिंग्या भी हो सकता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ भी इसके जो है अभी हम तो नहीं जानते कहाँ है इसके प्रूफ। इसने यहाँ के आधार कार्ड, राशन कार्ड और विदेश जाने के भी उसने बनवा लिया है, सब इसने कर लिया है, सब तलाक। क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं सर कि यहाँ से जो है इसको यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि हमारे गांव की अमन चैन बनी। कहीं आपने शिकायत की? जी हाँ, शिकायत हमने SP को भी दिया, CO को भी दिया, थाने में भी दिया, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? अब्दुल मजीद था। हालांकि इस मामले में एडिशनल SP ने बताया कि नेपाल के एक संदिग्ध आदमी ने मेवाती मोहल्ला थाना गाजीपुर में काफी सालों से रहकर अवैध तरीके से निर्वाचन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2016 में पासपोर्ट बनवा लिया था, जिसकी संयुक्त टीम ने जांच कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। धर्मांतरण प्रकरण में मस्जिद के मौलाना हफीज फिरोज आलम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है।
पुलिस उस पर जिला प्रशासन को गुमराह कर पासपोर्ट और देश की नागरिकता हासिल करने के तहत धोखाधड़ी का केस दर्ज कर अरेस्ट कर कार्यवाही करने की बात कह रही है। नेपाल देश का एक संदिग्ध नागरिक जो मेवाती मोहल्ला थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर में काफ़ी वर्षों से आकर के रह रहा था, यहाँ पर रहते हुए इसने अवैधानिक तरीके से निर्वाचन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवा लिया था और 2016 में इसने पासपोर्ट भी बनवा लिया था। एक संयुक्त टीम ने इसकी जांच किया, जांच के पश्चात इसके विरुद्ध संगीत धाराओं में थाना गाजीपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है, इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस बीच फिरोज आलम का कहना है कि उस पर लगाए गए धर्मांतरण के आरोप गलत हैं। उसकी बीवी की मौत हो चुकी है और दो बेटियां नेपाल में रहती हैं। भारत में जो उसने पासपोर्ट बनवाया वो हज जाने के लिए बनवाया था लेकिन जा नहीं सका। पुलिस अब इस केस में आलम के दो अन्य साथियों की तलाश कर रही है। पुलिस इस केस में उमर गौतम कनेक्शन को भी तलाश रही है। पुलिस का कहना है कि देश भर में धर्मांतरण का जाल बिछाने वाले उमर का पिछले 10 साल से यहां आना जाना रहा है। अब उमर के गाजीपुर मस्जिद आने और मस्जिद से निकाले गए इमाम की उमर से मुलाकात के सबूत जुटाने में पुलिस लगी है। वो शहर नूरुल हुदा इंग्लिश में आता जाता था। यहाँ की गुप्त बैठकों में धर्मांतरण के लिए रणनीति बनती थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।